जो ये एज ग्रुप है 16 से 21, 22 का, ठीक है, इसके अंदर बच्चा डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होता है, और बच्चा अगर करियर पे फोकस्ड करे तो वो आगे भी बहुत जाता है, ठीक है। ये एज ग्रुप 16 से 22, एंड मोस्ट ऑफ यू आप इसी एज ग्रुप से हैं, मुझे पता है। 16 से 22 का जो एज ग्रुप है बच्चे, ये आपका करियर बिल्डिंग होता है, ठीक है। एंड एनडीए की बात करूं, सीडीएस की बात करूं, मेजोरिटी ऑफ यू आप इसी एज ग्रुप से हैं, ठीक है। सबको, मोस्ट ऑफ यू आर एडिक्टेड टू दिस, 90% मुझे पता है। बहुत सारी क्वेरीज मुझे आती हैं कि सर वी आर एडिक्टेड टू पॉर्न, वी आर एडिक्टेड टू मास्टरबेशन, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में हमें गाइड करिए। देखिए सीधी बात, फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने जाना है, तो जब भी मैं इसकी बात करता हूँ, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन की, सेक्स की, वी टॉक अबाउट प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, हम इसके अंदर इसकी बारे में बात करते हैं, बिकॉज आप समझिए जो स्पर्म इजैकुलेट आप लोग कर रहे हैं, इट इज टोटली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके। और प्रोटीन हमारी जो है बॉडी के लिए, हमारी नीड्स के लिए बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड दिस इज, जो हम खा रहे हैं चीजें, जो हमारा मसल मास अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, प्रोटीन इंटेक ही हम अपनी डाइट के अंदर बढ़ाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज, सबसे पहला चीज जो आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, वो है यू विल लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। छोड़ने का तरीका भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आज बड़े भाई की तरह मुझे ट्रीट करना बस, और जो जो चीजें बताऊंगा वो फॉलो करना है, ठीक है। यू लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। लोग अक्सर इस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता क्या साइकोलॉजी है लोगों की, बट एक मेंटर के तौर पे मेरा ये फर्ज है आप लोगों को राइट ट्रैक पर लेके आना। यू लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस भैया, अगर आप डे टू डे बेसिस के अंदर यू आर मास्टरबेटिंग और यू आर वॉचिंग पोर्न। आजमाना है तो एक बार आप मास्टरबेट करके शीशे में शक्ल में आके देख लेना, आप अपने अंदर अपने आप को नहीं देख पाओगे मिरर के अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप 10 लोगों के सामने खड़े होके स्पीच नहीं दे सकते आप, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, जो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो, कॉन्सेंट्रेशन खत्म, बिल्कुल जीरो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी आपकी। इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ आपका, स्टैमिना खत्म। और ये साइंटिफिक रीजंस है। अब होता है ऐसा क्यों होता है सर, हमने तो बहुत जगह पढ़ा है ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% होता है। रीजन आपको देता हूं मैं इन सब का, क्यों ये होता है, साइंटिफिक रीजन दूंगा, ठीक है। तो ऐसी आलतू फालतू लोगों की बातों में मत आना जिन्होंने कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, कोई स्टडी नहीं की है, ठीक है। होता क्या है देखिए, हमारी बॉडी में जब भी हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है लगभग 24 से 36 आवर्स इट टेक्स, ठीक है, उसको रीजनरेट करने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो है, पहला काम टेस्टोस्टेरोन का जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना ही है। दूसरा काम जो है टेस्टोस्टेरोन का, वो है हमारी फिजिक बिल्ड करना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाना बॉडी की। अगर हम उसी को इजैकुलेट कर देंगे तो कहां से मसल में स्ट्रेंथ आएगी हमारे। कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाना, कहां से कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। लेजीनेस भगाना, सारा टाइम आप लेजी फील करेंगे अगर आप ये चीज करेंगे तो भैया दूसरी तीसरी बातें यही है सब, कि फिजिकल फिटनेस आपकी जीरो हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। फिजिकल फिटनेस जीरो हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टास्क, स्टैमिना आप लूज कर लोगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सारा दिन दिमाग के अंदर सिर्फ यही चीज चलेगी, और होता भी है अक्सर बच्चों के साथ, ये चीज होती भी है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, देखो विद्यार्थी का जीवन जो होता है बच्चे, एक स्टूडेंट की जो जिंदगी होती है, जब तक आप वो चीज अपना एम या गोल आप अचीव नहीं कर पाते हैं, वो संघर्ष से भरा हुआ होता है, सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ होता है। तो ये चीजें अगर आप कुछ टाइम का फन सैक्रिफाइस कर लोगे, तो अपना करियर, अपना एम, अपना गोल आप पा सकते हो, ठीक है। तो खुद को काबू करो इस चीज के, जितना हो सकता है। तो